25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके बाद महानगर में भी 25 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी, जिसके लिए नगर निगम द्वारा महसरा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भूमि पर इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रंग रोगन से लेकर बसों के रखरखाव के लिए बनाए जा रहे टीन शेड बनाने का काम जोरों से चल रहा है, जिसके मद्देनजर सोमवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा चार्जिंग स्टेशन की तैयारियों का निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी या दिल्ली से प्रदेश में 700 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन पर 20 सितंबर तक 25 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच जाएंगी। नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट पर बस चलाने के साथ ही नगर निगम में शामिल 32 गांवों को भी जोड़ा जाएगा। इस मौके पर उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य इंजीनियर सुरेश चंद एवं कायदाई संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि आपके संज्ञान में है, उत्तर प्रदेश में 700 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो आ गई हैं, और उनमें से प्रथम चरण में जो 20 बसें हैं इलेक्ट्रिक बसें वो जनपद गोरखपुर में आ रही हैं, और इन सभी बसों को जो 700 बसें हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को लखनऊ से या बनारस से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और CNDS के लोग और PMI और हमारे चीफ इंजीनियर साहब सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग का प्रयास है कि 20 तारीख के अंदर अंदर हम लोग सारी तैयारियाँ पूरी कर लें, जिससे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही हमारी जो इससे संबंधित जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सभी पूरी हो चुकी हैं, और जो इसका जो रूट है वो निर्धारित हो गया है। लेकिन जो हमारे 32 नए गांव इसमें अभी नगर निगम में शामिल हुए हैं सीमा में, उनको भी हम ध्यान में रखते हुए कुछ रूट में संशोधन कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनको भी इस रूट पे ले लें, जिससे कि इन इलेक्ट्रिक बसों का फ़ायदा है जो सभी को मिल सके।